गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश और अभी मैं मॉर्निंग रन के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। सो इस वाले बीच में मैं हमेशा आती हूँ, कभी उधर की तरफ रुकती हूँ, कभी इधर कहीं रुकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे रन के लिए आना बेहद पसंद है और कल एक बहुत डिफरेंट एक्टिविटी मैंने होती हुई देखी जब मैं इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के लिए गई सेशन के लिए। सेशन के बाद ना चार बच्चे बैठे थे और वो चटनी पीस रहे थे और हमने जब पूछा कि अच्छा आप किस चीज़ की चटनी पीस रहे हो, तो उन्होंने पत्तों को जो है चुनकर और पत्थर से रगड़ते हुए, और उनको उसी चीज़ में मज़ा आ रहा था। चार बच्चे आराम से जो है ना चिल कर रहे हैं ऐसे, और उससे मुझे अपना बचपन याद आया क्योंकि जो पपीते के पत्ते होते हैं या फिर ये अपने पीपल के पत्ते होते हैं, मैं घड़े में रखा करती थी एक हफ्ते तक ताकि उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हट जाए और बिल्कुल आखिर की जो परत होती है जिसपे आजकल लोग बहुत डिज़ाइंस और पेंटिंग्स बनाते हैं, मुझे वो इकट्ठा करना पसंद था। और जब हमारा बचपन बीतता है, हम थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें जो है ना भूल जाते हैं, हमें लगता है हम बड़े हो गए, हमें ये नहीं करना ये नहीं करना। पर मुझे याद है जब मैं पत्ते लेके चटनी पीसा करती थी ना ईंट से, मुझे बड़ा मज़ा आता था, बिल्कुल इतनी बढ़िया एक्टिविटी होती थी, मुझे लगता पूरा दिन में मैंने कुछ तो किया है। तो कल मुझे उन चार बच्चों को देख के जो है ये याद आया और ये लगा कि नहीं यार, बचपन किसी भी तरीके से रिविजिट तो करते रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपने कौन सी जो है पत्तों की चटनी पीसी है या फिर कौन से मिट्टी के घर बनाए हैं यहाँ पे आके, तो ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय।